Hey guys, welcome back to the Chatpat Toy TV. मेरा नाम है रान। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे क्रोकोडाइल वर्सेस शार्क की फाइट कराने के लिए, तो दोस्तों आज अपन कराने वाले हैं दो शार्क वर्सेस एक क्रोकोडाइल की फाइट। अपने पास एक काफी भयंकर वाली क्रोकोडाइल है, ये पानी पर काफी मस्त तरीके से तैर सकती है। तो अपनी दूसरी वाली चीज है, ये एक एम्फीबियस हाइब्रिड शार्क है, आप इसको जमीन पर भी चला सकते हो और पानी पर तो भाई क्या ही कमाल की चलती है। तीसरी वाली चीज है, ये एक ब्लू फिन आरसी शार्क है, आप लोगों ने इसकी वीडियो ऑलरेडी देखी होगी। तो चलो तो फटाफट से करते हैं तीनों की अनबॉक्सिंग। तो चलो यहाँ से क्रोकोडाइल को अपन निकाल लेते हैं यार बाहर। दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करो। अगर आप इस क्रोकोडाइल को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, यहाँ पर आपको एक बैग दिखाई देगा, बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाय लिंक आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने बाय लिंक दे दिया है। ओ हो हो हो, ओ माय गॉड, देखने में यार क्या ही खतरनाक सी रियलिस्टिक है। देखो यार इसको यहाँ पे चोटे वोटे भी लगी हुई है, शायद यहाँ पे डैमेज हो चुका है यार इस तरफ से। देखो भाई साहब एकदम खतरनाक चीज है, ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये घूरे जा रही है। और यहाँ पर है इसका रिमोट, रिमोट यार बहुत ही छोटा दे रखा है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रिमोट है। यहाँ पर है इसका चार्जर और ये रही इसकी छोटी सी बैटरी। ये जो है ना भाई काफी मस्त तरीके से पानी में तैर सकती है। एक बार मैं इसको फटाफट से निकाल के टेबल पर रख देते हैं, उसके बाद भाई बाहर चलकर काफी खतरनाक वाली फाइट कराएंगे। इसके अंदर से मिली है अपने को ये वाली बैटरी और यहाँ पर इसकी बहुत सारी चीजें, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये है इसका रिमोट और ये है इसका चार्जर और यहाँ पर है दोस्तों अपनी शार्क। यार इसका साइज तो देखो कितना ज्यादा बड़ा दिया हुआ है। पीछे की इसकी जो टेल है ना भाई काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जब ये पानी में चलती है तो काफी ज्यादा मस्त तरीके से इस तरह से इसकी टेल जो है ना भाई इस तरह से लहराने लगती है। आप इसको पानी पे भी चला सकते हो और जमीन पर भी चला सकते हो, दोनों ही जगह काफी मस्त तरीके से चल जाती है। इसको अपन बोलेंगे एम्फीबियस शार्क। इसके अंदर भी देखो यार इस तरह की लाइपो बैटरी मिल जाती है 500 mAh की। यहाँ पर है इसका चार्जर, अभी निकालते हैं अपनी शार्क को। ये जो शार्क है ना यार बहुत ही मस्त तरीके से पानी के ऊपर तैर सकती है, मेरे को काफी ज्यादा मजा आता है इसको चलाने में। पूरी तरीके से देखने में ऐसा लगता है कि भाई टेनिस बॉल ही काट के चिपका दिया है इन लोगों ने, इतने ज्यादा बड़े हैं। और इसके ऊपर ग्रिप तो देखो यार कितनी ज्यादा मस्त दी गई है। यहाँ पर है इसका एकदम छुटकू सा रिमोट, रिमोट का साइज देखो यार कितना ज्यादा छोटा दिया हुआ है, मेरे को रिमोट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता यार। तो फटाफट से भाई रियलिस्टिक के मामले में आप खुद बताओ यार तीनों में कौन सबसे ज्यादा रियलिस्टिक नजर आता है। मेरे को तो जो है ना गाइस ये जो क्रोकोडाइल है काफी ज्यादा रियलिस्टिक नजर आती है और उसके बाद जो है ये रियलिस्टिक नजर आती है, पर अपनी ये जो हाइब्रिड शार्क है ना यार उतनी ज्यादा रियलिस्टिक नजर नहीं आती है क्योंकि ये एक कार्टून टाइप शार्क बनाई गई है। ऑलराइट दोस्तों मैं आ चुका हूँ बाहर तालाब के पास। सबसे पहले अपनी जो शार्क है यार किस तरह से पानी पर तैरती है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, क्या ही मस्त तरीके से तैर रही है। अगर कोई बंदा इसको दूर से देख लेना यार तो उसको लगेगा कि ये बिल्कुल एक रियल शार्क की तरह ही तैर सकती है। अगर इसको अपने को गोल गोल घुमाना है तो देख सकते हो, ये जो ट्रिगर्स है ना यार इसको अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करेंगे तो गोल गोल भी घूम सकती है। आगे बढ़ाने के लिए दोनों ट्रिगर्स को एक साथ अपन प्रेस करेंगे तो ये आगे भी बढ़ जाती है। अभी टच करते हैं क्रोकोडाइल को। ओ माई गॉड यार देखो यहाँ पर ये पूरी तरीके से रियल क्रोकोडाइल की तरह ही दिखाई देती है। आप चाहे तो इसको कोई भी डायरेक्शन में चला सकते हो और इसकी स्पीड भी जो है ना बहुत ही ज्यादा दी गई है। अगर आप इसको एक बार करीब से पानी पर तैरता हुआ देख लो ना गाइस आपको यकीन नहीं होगा कि भाई ये एक क्रोकोडाइल बोट है। दूर से कोई बंदा देखेगा ना उसको यही लगेगा कि भाई ये एक रियल क्रोकोडाइल ही है। तो काफी ज्यादा मजा आता है इसको पानी पर दौड़ाने में। अभी टेस्ट करते हैं हाइब्रिड शार्क को। ये जो चीज है ना यार काफी ज्यादा फनी लगती है जब पानी पर तैरती है, एकदम से भाई ये पानी को कट करके चलने लगती है, इतना ज्यादा मजा आता है इसको चलाने में क्योंकि इसके जो व्हील्स है ना भाई बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े दिए हुए हैं। आप चाहे तो इसको अलग अलग तरीके से स्टंट वगैरह भी करा सकते हो, आप चाहे तो इसको उल्टा करके भी चला सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसको मैंने पूरी तरीके से उल्टा भी कर दिया है, वापस से सीधा भी कर दिया, इस तरह के आप चाहे तो इसके साथ स्टंट वगैरह भी करा सकते हो। दोस्तों अभी आएगा मजा, यहाँ पे मैं अभी रेस लगाने वाला हूँ शार्क वर्सेस क्रोकोडाइल की। यार क्रोकोडाइल की स्पीड तो देखो भाई साहब कितनी ज्यादा है, एक मिनट में भाई आगे निकल चुकी है। अभी इसको वापस लेके आते हैं, भाई देख सकते हो अपनी जो क्रोकोडाइल है ना यार बहुत ही ज्यादा फास्ट है। वहीं दूसरी तरफ शार्क देखो यार थोड़ा सा स्लो चलती है पर काफी ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से अपनी पूंछ को हिलाकर चलने लगती है।
अभी कराते हैं इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर, देखते हैं भाई कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। यहाँ पर तो यार मेरे को शार्क ही लगती है, क्योंकि यार इसकी पावर बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर डुअल मोटर दिए हुए। देख सकते हो यार अपनी शार्क जो है क्रोकोडाइल को कितनी ज्यादा आसानी से खींच के लेके जा रही है। अभी यार क्रोकोडाइल को आ चुका है गुस्सा, देखो अभी क्रोकोडाइल की स्पीड कितनी ज्यादा है और इसके अंदर पावर कितनी ज्यादा है। भाई क्रोकोडाइल ने तो पूरी तरीके से शार्क को डुबो ही दिया है पानी के अंदर। अभी देखो अपनी शार्क जो है पूरी तरीके से उल्टी फुल्टी हो चुकी है, क्लियरली जीत चुकी है अपनी क्रोकोडाइल टग ऑफ वॉर के मामले में। अभी यहाँ पर इन दोनों शार्क के बीच में रेस लगा के देखते हैं भाई दोनों में से कौन सी शार्क यहाँ पर जीतती है। चलो तो रेस को स्टार्ट करते हैं। अपनी हाइब्रिड शार्क देखो यार, अपनी ब्लूफिन वाली शार्क को शायद डुबाना चाह रही थी, देख सकते हो उसकी स्पीड कितनी ज्यादा दी गई है, पीछे पीछे जा रही है अपनी ब्लूफिन वाली शार्क। देखते हैं इसको पीछा कर पाती है या नहीं, मेरे को नहीं लगता इसे पीछा कर पाएगी, क्योंकि अपनी हाइब्रिड शार्क की जो स्पीड है ना यार बहुत ही ज्यादा दी गई है, ये पानी के ऊपर बड़ी आराम से तैरने लगती है। तो भाई यहाँ पे क्लियरली अपनी जो हाइब्रिड शार्क है ना ब्लूफिन वाली शार्क से रेस में जीत चुकी है। अभी आएगा दोस्तों एकदम गजब का मजा, यहाँ पे अपन रेस कराने वाले हैं हाइब्रिड शार्क वर्सेस क्रोकोडाइल की, देखते हैं भाई दोनों में से कौन जीतेगा। अपनी हाइब्रिड शार्क काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है। अभी देखो यार अपनी क्रोकोडाइल को वापस से गुस्सा आ चुका है, ये एकदम बुलेट की तरह भाई पानी पर तैरती हुई आगे निकल चुकी है, बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। देखते हैं अपनी हाइब्रिड शार्क इसका पीछा कर पाती है नहीं, इसको हरा पाती है नहीं। ओ माय गॉड कितनी दूर जा चुकी है देखो यार क्रोकोडाइल, मेरे को लगता है क्रोकोडाइल क्लियरली जीतने वाली है इस रेस को। अरे भाई यहाँ पे क्या हो चुका है देख सकते हो यार, अपनी क्रोकोडाइल को पता नहीं क्या होगा यहाँ पे, ये ज्यादा हवा आने पर गोल गोल चक्कर मारने लगी है। हाइब्रिड शार्क देखो यार काफी ज्यादा आगे आ चुकी है। भाई यहाँ पे अभी मेरे को समझ में आया, अपनी जो हाइब्रिड शार्क है यार इसका वेट बहुत ज्यादा है, क्रोकोडाइल का वेट बहुत ज्यादा कम है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हवा चलने लगी है, इस वजह से यार क्रोकोडाइल को कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ पर जाना है। देखो यार ये वहीं पर फंस के रह चुकी है, अभी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रही है, रेस को जीत चुकी है अपनी हाइब्रिड शार्क। अभी कराएंगे दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर, देखते हैं भाई क्रोकोडाइल अपनी हार का बदला ले पाती है या नहीं। दोनों के बीच में यहाँ पे टग ऑफ वॉर चालू हो चुकी है, यहाँ पर देख सकते हो अपनी हाइब्रिड शार्क वापस से क्रोकोडाइल को खींच के लेके जा रही है पानी के अंदर। देखो यार प्रोपेलर कितनी ज्यादा स्पीड से घूम रहे है, इसका वेट कम होने के कारण ये ज्यादा वेट जो है पुल नहीं कर पा रही है, तो वापस से अपनी क्रोकोडाइल हार चुकी है यहाँ पर। अभी करेंगे यहाँ पे टफनेस टेस्ट, इस हाइब्रिड शार्क को मैं पानी के अंदर बहुत दूर तक फेंकने वाला हूँ, ये देखो यार मैंने फेंक दिया है, अभी वापस से ये चालू भी हो जाएगी भाई, कितनी भी दूर आप इसको उठाकर फेंक लो कुछ इसको फर्क पड़ने वाला नहीं, बहुत ज्यादा टफ मटेरियल से इसको बनाया गया है। सेम टेस्ट करेंगे अपन क्रोकोडाइल के साथ, देख सकते हो भाई इतनी दूर मैंने इसको फेंक दिया है पानी के अंदर, अपनी क्रोकोडाइल को भाई कुछ हुआ ही नहीं, वापस से ये तैर कर अपने पास आ चुके, दोनों की दोनों बहुत ज्यादा टफ है यार। यहाँ पर कराएंगे वेट कैरी टेस्ट, देखते हैं भाई अपनी क्रोकोडाइल जो है कितना ज्यादा वेट को खींच सकती है। इसके साथ मैंने पानी में फेंक दिया है एक भारी भरकम वाली बोट, देख सकते हो अपनी क्रोकोडाइल कितनी आसान तरीके से बोट को पानी के अंदर घसीट के लेके जा चुकी है। भाई काफी अच्छा खासा वेट जो है अपनी क्रोकोडाइल पुल कर सकती है। सेम टेस्ट करते हैं अपनी हाइब्रिड शार्क के साथ, देखो यार इसको भी मैंने पानी में फेंक दिया है दोनों को बांध कर, अभी भाई इसको चला के देखते हैं, ये भी देखो यार कितनी ज्यादा आसानी से बोट को खींच के लेके जा रही है पानी के अंदर, दोनों की दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल है यार। दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको हाइब्रिड शार्क पसंद है, ब्लू फिन शार्क पसंद है या फिर भयंकर वाली क्रोकोडाइल पसंद है, नीचे कमेंट करो गाइस फटाफट से अभी कभी। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट, पहला नाम आ जाता है मधुकर, लोकेश, तीर्थनाथ, इंदर, अर्पण, मिर्जा, हनान, नारायण, अरफत, अक्षय। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए, अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। बाय दोस्तों।